फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी जो है सुबह के 8 बज चुके हैं, भाभी मैं उठ गए हैं और पापा भी उठ चुके हैं। लड्डू, मम्मी, भैया ये तीनों भी सो रहे हैं, लेट ही उठेंगे। मम्मी तो लेट ही उठेंगे, भैया को भी उठा रहे हैं हम। और सबसे पहले तो हम चाय पीने लगे हैं, भाभी बना रहे हैं चाय। चाय पी के उसके बाद थोड़े बहुत काम निपटाते हैं, स्टोरी के लिए रेडी होते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी को नहलाई करा के तैयार कर दिया है। कान्हा जी बिल्कुल हो गए हैं रेडी, मेरे लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पर भाभी ने चाय भी बना ली है, बनने के लिए रख दी है। और ये वाले बिस्किट हमारे फेवरेट। हाँ, अब ठीक है। और ये हमने आज सेम स्वेटशर्ट डाली हुई है, दोनों ने ब्लैक। हल्का सा डिज़ाइन का फर्क है बस, देखो ना इधर मम्मी के ये बैग में ये डिज़ाइन है, मेरे ये वाला नहीं है। ये मम्मी लेके आए थे हम दोनों के लिए सेम है ना मम्मी? हाँ। तो अभी लड्डू भी उठ गया, उठते सार ही घुम्मी पे निकल जाता है ये, उठते ही। लड्डू बाय तो बोल दे। तो कह रहे चलो बस, इसकी नींद ही ऐसे खुलती है। फिर अभी नहा धो लिए हैं, बस रेडी होना बाकी है। अब सबसे पहले तो हम खाना बनाते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं। लगे हैं खाना बनाने के लिए। आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे, रायता और साथ में सब्जी। सभी हो चुके हैं स्टोरी के लिए रेडी। आज भी स्टोरी में मेरा कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हो गए हैं रेडी मम्मी, भाभी, भैया, ये तीनों के ही हैं रोल स्टोरी में। तो आज मम्मी कह रहे हैं कि स्टोरी का काम ना लेट करना था या फिर सुबह सुबह करना था, मैंने धूप में बैठना था। है मम्मी, तो स्टोरी धूप में बना लेते हैं फिर। अंजलि दिमाग ना खराब कर, तू काम कर लो। हाँ, काम करने ही आया, बाहर धूप में नहीं बनेगी वीडियो, थोड़ी इधर बैठो। आज मम्मी ने अपना सर्दी वाला सूट निकाल के डाला है, अच्छा लग रहा है मम्मी जी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, येलो कलर। नहीं नहीं, येलो आपके ऊपर ही तो सिर्फ जचता है। एक देखो, भाभी ने तो रेड सूट गर्मी वाला ही डाला है। प्रैक्टिस। हाँ बेटा, तुझे इतनी बार बोला है। आज की स्टोरी के ज्यादातर तो सीन ना बाहर और ऊपर पर चल रहे हैं। मम्मी समझा रहे हैं भाभी को सीन कि क्या क्या डायलॉग बोल रहे हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी ना मेरे आने से? तो अभी हमारी स्टोरी के सीन अभी भी रहते हैं, शाम हो चुकी है। बीच में हमने एक चाय की ब्रेक ले ली थी और अभी स्टोरी पे दोबारा से लग रहे हैं। और लड्डू जा रहे हैं पापा के साथ घूमी घूमी पे। बाय 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 बाय, बिना ये किसी टाइम ही करता है बस, हर टाइम नहीं मानता बात। कल पापा जी व्लॉग में भी इसने 2-3 बार बाय की है बोलने पे कि बाय कर दे, करता है भाई। अब नहीं कर रहा लड्डू बाय। सभी को बाय करता है। बाहर लोगों को करता है ये बाय, हमें नहीं करता। हाँ पापा, इस पे जाना है। कम पापा, एक्टिवा पे जाना है इसने। पापा इस पे जाना है। लड्डू चाबी कर रहा था भाई, लड्डू पता नहीं किसको उधर। लड्डू बाय बाय तो कर दे, बाय कर दे। हमारी स्टोरी हो गई है कंप्लीट। और मैं आई थी अंदर लड्डू के पास, लड्डू यहाँ पे कार्टून देख रहा था, पापा के पास बैठा था, लेकिन अभी सभी बाहर गए हैं फोटो के लिए, क्योंकि उसके लिए फोटो रह गई थी। बस स्टोरी की वीडियो सारी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी 7:30 बज चुके हैं और 2 स्टोरीज हमने आज बना ली हैं। अभी फ्री हुए हैं स्टोरी से। और लड्डू इस टाइम सो गया है, देख लो, आज दिन में सोया नहीं, अब सो गया। और फिर अभी पूरी रात जागने वाला है, फिर से ये 4 बजे तक जागेगा। तो अभी हम लेके गए थे लड्डू को उठाने के लिए, क्योंकि वो इस टाइम अगर शाम के टाइम सो जाता वो मुश्किल से ही है। बस उसको गोदी में उठा के ले गए थे बाइक पे, बाहर की खिलौना वगैरह ले लेगा उठ जाएगा, पर खिलौना लिया ही नहीं उसने, सोता हुआ गया है, सोता हुआ आ गया। उस पर ना जाके शॉप पे कहता नहीं लेना नहीं है, सोना है बस, मुझे सोने दो भी। मंदिर। हाँ। तो अभी मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए चाय। लड्डू तो फिर से जाके बेड पे लेट ही गया है, मम्मी के पास नींद नहीं खुल रही है उसकी, क्योंकि वो कल रात को 4 बजे सो रहा था और सुबह उठ गया था
11:30 बजे, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और अब जाके दिन में सोया नहीं, शाम को सो गया था बस इस कारण से, और अब आज रात को भी ये जागने वाला है पूरी रात, 3-4 बजे पक्का सोने में। तो अभी रात के 10 बजे डिनर वगैरह हमने सभी ने कर लिया है और अभी जो है लड्डू कर रहा था शैतानी, चप्पल निकाल के, हाँ जी लड्डू को जा रहे हैं घुमाने के लिए, लड्डू को घुमाने के लिए हम नहीं जा रहे आज, भाभी और मैं, मम्मी भैया पापा ये तीनों जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर जितनी देर बाहर जाएंगे 10-15 मिनट कोई काम क्लियर कर लेंगे, है ना मम्मी, आप जा आओ बस घर की थोड़ी सेटिंग करके रखते हैं क्योंकि शाम तक को तो हम स्टोरी में बिजी रहे, कोई काम नहीं हुआ है, नहीं नहीं फेंकनी क्यों है, आपके बाल सेट कर लो मम्मी, तो भी रात को भी स्टोरी बनाएं क्या मम्मी, एक मेरा तो मन होता है आशु बोल रहा नहीं था, हम बना लेते हैं मिलके, नहीं बनेगी पर हाँ सेटिंग नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, फिर अभी मैं आई हूँ ऊपर से कपड़े वगैरह प्रेस करके, नीचे भाभी लगा रहे हैं अलमारियों में, सेट कर रहे हैं कपड़े, प्रेस सभी हो रहे हैं और मम्मी यहाँ पे स्टोरी लिख रहे थे, लड्डू बैठा कार्टून देख रहा है, कैसे मम्मी कल के लिए स्टोरी लिख रहे हो, नींद आ रही है, देख हाँ जी मैंने ना स्टोरी कैसे लिखी है तेरे को बताती हूँ, इधर कर, अच्छा इधर करूँ, नहीं नहीं मेरी तरफ कर, तो सबसे पहले आशु को बोलूँगी कि शादी कर ले, ठीक है वो खाना बना के जाएगा, तेरी एंट्री होगी तो कहीं उसकी शादी की बात करवाएगी, उसके बाद टॉपिक रखेंगे बहू की एंट्री होगी, ठीक है फिर वो मुंह दिखाई में नखरे मार रही है ये कपड़े नहीं डालूंगी, ठीक है फिर हलवा बोलेंगे तो जोमेटो से ऑर्डर कर देगी दाल बोलूंगी तो बोलेगी कि हमारे घर में तो मुर्गा या पनीर ही बनता था, दाल तो तब बनती है जब कोई बीमार होता है, ठीक है ठीक है, काम राम बोलेंगे तो बोलेगी 8 दिन बाद लगूंगी, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, चाय बनाएगा आशु बनाएगा, उसका दोस्त कहेगा आके तेरे हाथों जैसा स्वाद है ये तो भाभी की चाय में, सारी बातें अपनी माँ को बताती जाएगी यहाँ की, ठीक है गाड़ी की अगली सीट पे बोलेगी कि मैं बैठूंगी, अच्छा आगे मैं एक ना थोड़ा सी रिस्पॉन्ड बना रही हूँ, हाँ जी कि ना जैसे तू आएगी तो आगे बनाएंगे, तो दीदी के बच्चा नहीं हुआ और मुझे मेरे पास क्यों आती है ये वो मुझे कल को, अच्छा हाँ मम्मी ऐसी स्टोरी आगे ले जाएंगे, लॉन्ग स्टोरी सोच रही हूँ कुछ एपिसोड ऐसे बना दूँ कि 100 एपिसोड बन जाए, हाँ मम्मी ये बात सही है बिल्कुल, सारे टॉपिक लिखती हूँ आज से शुरू कर दी लिखनी, जैसे ही मेरा लिखना कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टोरी शुरू कर देंगे, ठीक है मम्मी, यदि आधी भी लिखी गई तो कल से टॉपिक, हाँ आधी भी नोट कर लो तो ठीक है मम्मी, फिर कल से कर लेते हैं स्टार्ट, ये देखती हूँ, हाँ लड्डू निकल गया अभी अभी बाहर, क्या लेके आया लड्डू ये, सो गया